तो भाई तुम जितना भी कोशिश कर लो, आखिर में जाकर वही होगा जो तुम्हारे तकदीर में लिखा है। रिसेंटली कैसिनो रॉयल मूवी के डायरेक्टर मार्टिन कैम्बेल ने रिवील किया है कि अगर इस दुनिया में डेनियल क्रेग एग्जिस्ट नहीं करते तो डेफिनेटली हेनरी कैविल जेम्स बॉन्ड बनते। दरअसल 2006 में जब पियर्स ब्रॉसनैन के बाद नए जेम्स बॉन्ड की खोज हो रही थी, तब हेनरी कैविल ने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था। सब कुछ ठीक था और ऑडिशन में सभी लोग हेनरी कैविल की एक्टिंग से इम्प्रेस भी हुए थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि हेनरी अभी इस रोल के लिए काफी यंग लग रहे हैं। इसी वजह से बाद में उनकी जगह डेनियल क्रेग को कास्ट किया गया और सबको पता है कि डेनियल ने भी एज जेम्स बॉन्ड काफी अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल से ये भी सही है क्योंकि अगर हेनरी जेम्स बॉन्ड के रोल में सिलेक्ट हो जाते तो शायद उन्हें हम कभी सुपरमैन के रोल में देख नहीं पाते।